अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सभी याचिकाओं पर संविधान पीठ में आज से सुनवाई शुरू होगी। फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से 140 से ज्यादा मौतें। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर में भी पानी घुसा। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की आधिकारिक घोषणा, लेकिन सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 78 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और संदीप सिंह को भी टिकट मिला। 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। महाराष्ट्र के अमरावती में शिवसेना नेता समेत 3 लोगों की हत्या के बाद तनाव, कर्फ्यू लगाया गया। तेल कंपनियों ने फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल में 19 पैसे और डीजल में 16 पैसे की बढ़ोतरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने अयोग्य विधायकों को ऑफर दिया, कहा अगर उपचुनाव लड़ना चाहें तो बीजेपी टिकट देने के लिए तैयार। बिगड़ती अर्थव्यवस्था का एक और संकेत, सरकार ने रिजर्व बैंक से 30,000 करोड़ रुपए मांगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया।